अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और आज मैं बनाऊंगी मैगी मसाले से वेजिटेबल पुलाव। तो मेरे पास ये कुछ सब्जियां हैं जिससे मैंने ये पुलाव बनाया है। तो आपके पास भी कुछ सब्जियां हो तो आप उनको सबको मिला के मिक्स कर मतलब ये पुलाव बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है मैगी मसाले वाला पुलाव। जिस तरीके से हम मैगी बनाते हैं वेजिटेबल वाली, उसी तरीके से ये पुलाव बनता है बस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये पुलाव बनाना। तो ये मेरे पास 1 किलो चावल है, पत्ता गोभी है, कुछ टमाटर और आलू हैं, ये शिमला मिर्च और हरी मिर्चें हैं। ये मेरे चावल के हिसाब से है सामान। ये धनिया मिर्चें, लाल मिर्चें और ये मैगी मसाला पाउडर है और ये हल्दी पाउडर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और धना है जो मेरे पास कटा हुआ। तो ये मेरा तपेला जो बर्तन है गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें तेल ऐड कर देती हूँ। ये हमारा तेल गरम होने के लिए रख दिया है मैंने। चलिए इसमें गरम मसाला डाल देते हैं हम। ये हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है इसमें और अब ये प्याजें ऐड कर देंगे इसमें। इन प्याजों को हमें थोड़ा लाल करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है इसको थोड़ा। और अब हम इसी में हमारी जो है ये प्याज होते ही हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारी प्याजें जो हैं गोल्डन गोल्डन होने लगी हैं। तो हमने इसमें ये मिर्चें ऐड कर दी हैं। बस इन मिर्चों को हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चलाते हुए भुनेंगे और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। तो ये मेरे पास दो चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है जो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको हमें 2 मिनट के लिए भुनना है। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक हमें इसे भूनना है। इसमें 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा हमें। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं और ये शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं, ये आलू, सारी वेजिटेबल जो भी हैं आप सब एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये गाजर है कुछ मेरे पास और कुछ मटर हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको बाद में ऐड कर देते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये। हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि सब्ज़ी जल्दी से गल जाए और थोड़ा सा भून लेते हैं इसको हम। ऊपर से जो हमने नमक डाला है इसकी वजह से ये थोड़ा जल्दी गल जाएंगी और नमक सब में अच्छे से मिल जाएगा। ये मैंने मिर्चें डाली, 1 से 1.5 चम्मच मिर्चें ली थी और 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने धना लिया था, ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली थी और ये 1.5 चम्मच मैंने मैगी मसाले का पाउडर लिया था। आपके पास घर में बना हुआ हो तो आप घर का भी मैगी मसाला पाउडर डाल सकते हैं इसमें, या आप 5 रुपये वाले जो पाउच मार्केट में मिलते हैं आप वो भी इसमें दो पैकेट डाल सकते हैं, या आपको चावल जो है कम है या पुलाव का कम है तो आप उसमें 1 पाउच डाल सकते हैं। ये मेरे पास पत्ता गोभी जो था ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि उसको बहुत कम वक्त लगता है पकने में, तो मैं इसको सबसे आखिरी में डाल रही हूँ। ये सारी सब्जियाँ हमारी जो हैं थोड़ी सी हमें भूननी है 2 मिनट के लिए। ये मेरे पास कुछ गोश्त के पीसेस हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। या तो इन गोश्त जो बचा हुआ गोश्त होता है हम उससे या तो हम कबाब बनाना पसंद करते हैं या फिर हम इसको पुलाव वगैरह में ही ऐड करके मतलब बना लेते हैं ताकि वो फीके ना और खाने में आ जाए और इससे थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा हमारे पुलाव का। वैसे ये थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये नहीं होते तो भी पुलाव हमारा अच्छा ही बनता। ये मैं चावल ऐड कर देती हूँ, हमारी सब्जियाँ भुना चुकी हैं इसमें, तो इसको अच्छे से चलाते हुए ज़रा हम इन्हें सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें ताकि सारे चावल जो हैं वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए हमारे पुलाव का कलर कितना प्यारा आया है,
बस हम इन्हें पानी डालकर अब थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे पानी डाल के, ताकि इसमें अच्छे से उकाल आ जाए। और फिर जैसे ही उकाल आ जाता है इसमें, जैसे ही पानी उबलने लगता है हमारा, वैसे ही हम इसको बिल्कुल धीमी आँच में रख देंगे। और धीमी आँच में ये जैसे ही मतलब पक जाएगा, 5 से 7 मिनट इसे और लगेंगे पकने में, तो जैसे ही पक जाएगा, ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, जितने आपके चावल हैं उससे डबल आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। अब इसे हम ढाँक के रख देंगे, और जैसे ये तेज आँच आएगी हम इसको मंदी आँच पे रख देंगे, और फिर हम आपको इसे सर्व करके बताएंगे। तो देखिए हम इसे ढाँक के रख देते हैं अब। तो देखिए अब हमारे चावल जो है ये पक चुके हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा पुलाव बन चुका है।